सड़कों में दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों के उदासीनता के चलते हाईवे पर जगह जगह हो रही दुर्घटनाओं में लोगों की जा रही जान, शासन प्रशासन मौन। दरअसल बिलाईगढ़ की सड़कों पे नियमों का उल्लंघन करना जैसे आम बात हो गई है। वाहन मालिक वाहन कहीं भी खड़े कर देते हैं, जिसे लेकर भी प्रशासन मौन है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में सड़कों पर मवेशियों का बैठना अब आम बात हो गई है, जिसे हटाए जाने किसी तरह की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सड़कों पर मवेशियां दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। साथ ही रोड में आने जाने वाले भी आए दिन उनको बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन अब तक मौन है। ऐसा एक ताजा मामला सामने आया बिलाईगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम दुमहानी में, जहां बीती रात रोड में बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में एक बुलेरो ट्रक से जा भिड़ी, जिससे बुलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि जगरोल थाना पलारी निवासी बुलेरो में सवार होकर बाबा सत्यनारायण के दर्शन कर रायगढ़ से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। गौरतलब हो कि बुलेरो में करीब 11 लोग सवार थे, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बिलासपुर रेफर किया गया है। सभी गंभीर व्यक्तियों को 108 के माध्यम से बिलाईगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हम लोग सर वहाँ से रायगढ़ से आए। रायगढ़ कहाँ गए थे? रायगढ़ बाबा जी का दर्शन करने। एक्सीडेंट कैसे हुआ आप लोग? एक्सीडेंट वो क्या है, रोड में बरसात की वजह से अच्छा लाइटिंग नहीं हो रहा था, फिर मवेशी हमेशा हर जगह मवेशी का ये रहता था, और धोखे से मवेशी बचाने के चक्कर में ट्रक में जा रहे थे। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में मेरे साथ मतलब 11 लोग थे।